तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। यस, आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, दिस इज़ आर न्यू हाउस एंड मैं आज शिफ्ट हो रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट लोकेशन इज़ सो परफेक्ट। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो दूर अगर आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो मेरी यूनिवर्सिटी है। सो माई यूनिवर्सिटी इज़ लाइक यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, विच इज़ अमेजिंग। सुबह उठो एंड वॉक करके फटाफट से पहुँच जाओ लेक्चर्स में। मेरी वर्क प्लेस भी ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रेन से लाइक 12-13 मिनट की ट्रेन जर्नी है, बिल्कुल पीछे स्टेशन भी है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड एंड एक सुंदर सा घर 3 कमरों का। सो आज हम सब मूव हो रहे हैं एंड धीरे धीरे फर्नीचर इधर उधर से आना चालू हो गया है। तो अभी करंटली मैं वेट कर रहा हूँ एक आदमी का जो ला रहा है मेरा क्वीन बेड फ्रेम और मैट्रेस, बिकॉज मार्केट प्लेस में मिला था मुझे एंड उसने कहा वो डिलीवर भी कर देगा थोड़े ज़्यादा पैसे लेके। तो मैंने कहा कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप वैन अरेंज करो या यूट हायर करो बहुत हेडेक हो जाता है, तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दो एंड उससे अगर कन्वीनियंस मिलती है तो इट्स वर्थ इट। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बेड वाले भैया के आने का, वो बेड देंगे। स्टडी टेबल मैंने कल ले आया था, अभी मैंने पूरी असेंबल कर ली। वार्डरोब चाहिए एंड थोड़ा बहुत साइड टेबल वगैरह, बेसिक फर्नीचर, बिकॉज घर पूरा का पूरा अनफर्निश्ड है। इस वीडियो में बने रहिए, आपको घर दिखाता हूँ आगे। तो भाई हमारा बेड आ गया है। सो अभी शाम के बज रहे हैं 8 एंड आज का काफ़ी लंबा दिन था, इधर उधर से सामान घरों में ला के रखा एंड नाउ इन दी एंड मैं हूँ आईकिया के स्टोर में, क्योंकि मुझे वार्डरोब खरीदनी है। नहीं, क्योंकि वार्डरोब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कपड़ों को कहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज कमरा अगर वार्डरोब नहीं होगा बहुत मैसी लगेगा, कहाँ फेंकूँगा इतने सारे कपड़ों को। तो मैं अभी आईकिया के वेयर हाउस में हूँ एंड मुझे मेरी वार्डरोब मिल गई है, बट इट्स प्रीटी हैवी। तो एक ट्रॉली अरेंज करके, ट्रॉली में डाल के इसको गाड़ी में, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये गाड़ी में आएगी या नहीं, बट लेट्स होप कि ये गाड़ी में आ जाए। बिकॉज अगर गाड़ी में नहीं आई तो फिर लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, कल वैन वगैरह कुछ हायर करके उसमें डलवा के लानी पड़ेगी। लेट्स होप कि गाड़ी में आ जाए। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड हम केमार्ट में थे लाइक फाइनल शॉपिंग करके, फ्रॉम थिंग्स लाइक वैक्यूम क्लीनर टू टोस्टर एंड हैंड वॉश, टिश्यू पेपर, लाइक एवरीथिंग A to Z सब कुछ लिया केमार्ट से। एंड अभी सुबह मेरा कमरा पूरा लाइक ऑलमोस्ट खाली था, केवल एक स्टडी टेबल थी। एंड आज एक दिन इतना प्रोडक्टिव दिन था मेरा, पूरा कमरा मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं आईकिया वाली वार्डरोब है एंड स्टडी टेबल पूरा, अपना बेड एंड बहुत सारा सामान। एंड अभी इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान गाड़ी में है, तो जल्दी जल्दी वो सब निकालते हैं, अनलोड करते हैं। रात की बज रही है 2 एंड मेरी कल सुबह शिफ्ट भी है, तो अभी तो घर ऑर्गेनाइज करने की हालत नहीं है। अभी बस सोऊंगा, कल सुबह शिफ्ट पे जाएंगे, देन कल शिफ्ट से आके पूरा तसल्ली से पूरे घर को सेट, मतलब मेरे कमरे को सेट करूँगा अच्छे से। तो अभी थोड़ी देर में बस सोने चलते हैं। भाई घर का किचन भी सुबह तक खाली था एंड अभी फुल, मतलब किचन भी भर दिया है। पोज कर यार भाई ये। तो भाई हमने 3-4 घंटे के बाद फाइनली हमारी वार्डरोब खड़ी हो गई है, अब इसमें दरवाजे लगाने। तो भाई आज दिल्ली बना दिया है मेलबर्न को, 4 प्लेट्स ऑफ छोले भटूरे $13 ईच। और पार्थ भाई कैसे लग रहा है बिना जॉब के? बिना जॉब के फुल एक्सपेंसिव फूड। भाई हर काम खुद करना पड़ता है। अच्छा हमको सिखा रिया है? पिछले 2 दिन से मैं मेरा कमरा सेटल कर रहा हूँ एंड बाहर थोड़ा सबको हेल्प कर रहा हूँ एंड काम ही नहीं खत्म हो रहे, अभी भी इतना मैस हो रहा है सब।
बट फाइनली वार्डरोब पूरी भर चुकी है, सूटकेसेस आर रेडी टू बी पैक्ड एंड किसी कोने में फेंक दूंगा। अब थोड़े जूते सॉर्ट करने हैं एंड स्टडी टेबल एंड कचरा बाहर निकालना है रूम से एंड देन बस इतना ही है एंड देन रूम अपना हो जाएगा तैयार पूरा। एंड अब एक पोर्टेबल एसी का जुगाड़ करना है क्योंकि बहुत गर्मी है एंड रूम में कुछ भी नहीं है, नो पंखा, सो वो करना है एंड दैट्स इट। भाई तुम लोग ये देखो एस्थेटिक्स, सब इतना सुंदर लग रहा है मेरा कमरा एंड अभी इस वीडियो में आपने पीछे देखा होगा बिल्कुल खाली कैसा लग रहा था रूम। एंड इस वक्त एक वार्डरोब आ गई है इस तरफ, मैसी सी स्टडी टेबल जो अभी करनी है सॉर्ट एंड बेड ऑब्वियसली, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरी जिसने आ तक वीडियो देखी हो एंड बेसिकली बस यही है कि मुझे घर मिल गया है एंड आई फाइनली मूव्ड इन एंड एक अनफर्निश्ड खाली से घर को फटाफट फटाफट भर के हमने घर बना लिया है। तो अभी करंटली मैं लिटरली जिससे भी मिलता हूँ जहाँ देख रहा हूँ भाई अकोमोडेशन का इतना हाल ख़राब है, किसी को घर ही नहीं मिल रहा है अपनी अपनी पसंदीदा सबर्ब के अंदर किसी को घर नहीं मिल रहा है। यूनी के पास तो बिल्कुल ऐसे है कि इम्पॉसिबल सा हो रखा है अभी घर मिलना, बट येस आई वॉज एबल टू शिफ्ट इन टू अ हाउस जो कि यूनी के इतना पास है, इतनी परफेक्ट लोकेशन है, मतलब जो भी चाहिए था वो सब मिल गया, रेंट भी काफ़ी रीजनेबल है। सो मुझे प्लीज़ बताओ कॉमेंट्स में अगर आप चाहते हो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ अकोमोडेशन के ऊपर। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी अकोमोडेशन के लिए, बट मैं एक अलग से वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ कि क्या क्या तरीके हैं एक सूटेबल अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, एक अच्छी रहने की जगह ढूंढने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए अलग से अगर आप लोगों को अलग से वीडियो चाहिए अकोमोडेशन के ऊपर तो मैं वो बना दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेलबर्न में भी हाल बहुत ख़राब है, घर नहीं मिल रहे हैं। मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ भी, इतने कमेंट्स आ रहे हैं मुझको कि घर का बताओ घर का बताओ, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो अलग से वीडियो बनाओ तो प्लीज़ बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिसने आ तक वीडियो देखी, थैंक यू एंड इतना सारा प्यार देने के लिए भी थैंक यू जिसने आ तक देखा, लाइक कर दो कॉमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, सी यू गाइज़।